हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट लेने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग यानी सत्ता का वितरण। तो इस चैप्टर में हम दो केसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे हम, बेल्जियम का केस पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, श्रीलंका का केस पढ़ेंगे। उससे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा एक जो ग्राफ है इसे आप देख लीजिएगा, ये किसका है, एक बेल्जियम का पार्ट है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, डचेस भी रहते हैं, फ्रेंच लोग भी रहते हैं, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इस वाले पूरे एरिया में फ्लेमिश लोग और ये वर्सेलिस जो कि हमारा बेल्जियम का क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं, जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं, डचेस बोलते हैं। नीचे है हमारा बलोनिया जिसमें 40% लोग क्या बोलते हैं, हमारा फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं, जबकि ओवरऑल इस यूरोप में क्या करते हैं, 59% जो है क्या करते हैं लोग, डच बोलते हैं, यानी बेल्जियम के पूरे में क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 59% क्या है, डचेस का लैंग्वेज यूज किया जाता है। सो अब प्रॉब्लम क्या हुई, तो रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में टेंशन क्यों उत्पन्न हुआ वहां पे, तो चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन डच कम्युनिटी, यानी जो फ्रेंच की सोसाइटी है वो क्या होती है, डच से थोड़ी ज्यादा रिच एंड पावरफुल होती है। डच कम्युनिटी वॉज इन मेजोरिटी इन द होल कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल, जो डच कम्युनिटी है, समुदाय है कह सकते हो, वो पूरी मेजोरिटी तो थी पूरी कंट्री में, लेकिन जो कैपिटल है हमारा बेल्जियम, हमारा बर्सेलिस, बेल्जियम का कैपिटल जो बर्सेलिस है, वहां क्या है, माइनॉरिटीज आते हैं, यानी वहां पे उनकी अल्पसंख्यक है, यानी बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है, कम है। सो नाउ स्टेप टेकन एकोमोडेशन, तो वहां पे चेंजेस क्या क्या हुए इसके बाद, टेंशन के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डचेस स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया और डचेस और फ्रेंच स्पीकिंग को क्या गया है, दिया गया बराबर का अधिकार दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स ऑन वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन, इन दोनों ग्रुप को क्या दिया गया, बराबर का अधिकार दिया गया, कोई भी एक डिसीजन नहीं ले सकता है इनडायरेक्टली आप कह सकते हो। तीसरा क्या है, थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, सेंट्रल, स्टेट्स एंड लोकल, यानी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट भी बनाई गई। फोर्थ पॉइंट क्या है, बर्सेलिस ऑल्सो हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द ग्रुप्स, जो हमारा बेल्जियम का कैपिटल बर्सेलिस, वहां पे क्या किया गया, रिप्रेजेंटेशन का दोनों ग्रुप को बराबर का अधिकार दिया गया। फिफ्थ क्या है हमारा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या आते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, जब कोई कल्चर को लेकर हो, कोई लैंग्वेज को लेकर हो, कोई एजुकेशन को लेकर, तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते थे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अगर मान लीजिए फ्रेंच ने यस कर दिया, इन्होंने नो कर दिया, तो कानून क्या होगा, नहीं बन सकता। सो पावर शेयरिंग में क्या बात है, बेल्जियम में तो पावर शेयरिंग को एडॉप्ट कर लिया गया बट श्रीलंका में नहीं किया गया। तो एक वर्ड आता है प्रोडेंशियल, प्रोडेंशियल का मतलब क्या है, इट रिड्यूस फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप एंड द एंश्योर स्टेबिलिटी, यानी दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा क्या करता है, कम करता है, और दोनों में एक क्या बैलेंस बना कर रखता है, उसे क्या बोलता है, बोला जाता है प्रोडेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मॉरल, मॉरल का मतलब क्या होता है, इट इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की भावना उत्पन्न करना हमारा मॉरल है इसने इस चैप्टर का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल भी है जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव का मतलब रोल क्या होता है हमारा, टू एग्जीक्यूट द रूल, एंड जुडिशरी का काम क्या होता है, सुपरवाइज करने का। दूसरा तरीका है हमारा पावर शेयरिंग का वर्टिकल वे, ये सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर का वितरण करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी पावर का क्या क्या है, अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स में भी वितरण होना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज़म, पावर शेयरिंग को पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का पार्ट फर्स्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम श्रीलंका के केसेस को डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।